हेलो माय लवली फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया। कैसे रहा आप सबका दिन? मेरा तो अच्छा था। आज संडे है, तो संडे तो यूं निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कब संडे से मंडे हो जाता है। तो बस ये महीना भी ख़त्म होने वाला है और अभी बहुत कुछ बाकी है लाइफ में करने के लिए। लाइफ में नहीं, लाइफ में तो अभी जर्नी शुरू है। अभी जो हाजिल करना था वो भी हाजिल नहीं हुआ है, वक्त लगेगा थोड़ा, पर चल रही, हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे। और आप सब बताओ, आप सबका कैसा रहा ये मंथ? कौन सा था? अप्रैल। अप्रैल फूल बनाया जिंदगी ने क्या? अपने जिंदगी को अप्रैल फूल बनाया। और कैसे हैं आप सबके घर पे, कैसे चल रही है लाइफ, कमेंट करके बताओ। और थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई करती हूँ। अगर किसी का रिप्लाई नहीं मिलता तो मैं दोबारा मैसेज करूँ कि आपने रिप्लाई नहीं दिया। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी अगर अच्छा कमेंट होगा, ठीक है। और आज का लाइव अच्छा गया, काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी लोग नए जुड़े। थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा क्या कहते हैं कमेंट्स किए, बहुत कुछ किया। हाय, मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा है यार, देखो ठीक भी नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ ये, पर ये बढ़ता जा रहा है। चलो कभी तो ठीक हो गई, छोड़ देते हैं इसे अपने हाल में, अपना हाल बताते हैं। और यस, अच्छे चल रहा है। आज मेरे फेस में ब्लश ब्लश दिख रहा होगा आप लोग को, मेरा डिम्पल दिख रहा है। लुक एट माई साइड कट, कितना सही लग रहा है। हाँ, मेरे फेस में आज ब्लश लग रहा है क्योंकि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे नहीं, वैसे मन किया तो खुश हो, ठीक है ना, कोई रीज़न नहीं है खुश होने का। मन कर रहा है, दिल कर रहा है खुश होने का, तो मैं खुश हूँ। और यस, नींद आ रही है बिकॉज ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ आफ्टर 12 o'clock। इट्स 12 AM, मतलब कि रात, आज 29 तारीख है ना, 29 तारीख की मॉर्निंग को मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, काम था तो मैं वहाँ पे बिजी हो गई। फिर पर मैं ब्लॉग शूट करना ज़रूरी था तो मेरे को ऑफ टाइम मिला, तो मैं अब कर रही हूँ ब्लॉग शूट। और ये सब बढ़िया चल रहा है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, आप बताओ कि किस टॉपिक में आपको जानना है मेरे बारे में, क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो वो टॉपिक बताना। अच्छा सा टॉपिक होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। जैसे कि आपको मैंने अपने फर्स्ट जॉब के बारे में बता दिया, फर्स्ट स्कूल के बारे में बता दिया, और पैसे चोरी किए ये भी बताया मैंने आपको। और यस, आज मैं आपको बताती हूँ अपने स्कूल लाइफ के बारे में कि स्कूल लाइफ कैसी थी, कैसी नहीं। एक्चुअली मैंने जो अपनी स्टडी की है, थोड़ी सी प्राइवेट स्कूल में की थी, थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कूल में की थी। कॉलेज प्राइवेट था, कॉलेज गवर्नमेंट था, ऐसा था। कुछ टाइम पीरियड तक मैं प्राइवेट में थी, देन मैं गवर्नमेंट में आई 2 4 4 साल, देन फिर मैं गवर्नमेंट में थी 3 साल कॉलेज के, देन फिर मैं प्राइवेट में आई अपनी मास्टर्स करने के लिए। मास्टर कॉलेज प्राइवेट में था, LPO। और यस, स्कूल लाइफ तो बहुत फंटास्टिक थी, फंटास्टिक। इंटेलिजेंट थी थोड़ी थोड़ी तो इस करके काफ़ी सही थी स्कूल लाइफ। सच्ची बोलो तो बहुत बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टाइम पे भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे, बहुत केयर करते थे मेरी, और अभी भी करते हैं। मैं स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स थे ना, स्कूल टाइम के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स और फ्रेंड्स मिलते हैं, बिना किसी मतलब के वो फ्रेंड्स होते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के फ्रेंड्स कैसे मिले कैसे नहीं, पर मुझे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे बुरे लोग मिले, एक दो लोग होंगे बुरे जिनको मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं बुरे लोगों को तो अपनी लाइफ में ही नहीं रखना चाहती ना। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो आज भी मेरे टच में है, जो आज भी किसी प्रॉब्लम में होते तो मतलब मेरे कुछ सोल्यूशन देते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत लवली है, और बहुत ख़राब भी है, बहुत इरिटेट भी करते हैं समटाइम मुझे। हाँ, और मेरे नाम उन्होंने पता क्या रखा हुआ था, एक मेरे क्लास में
नाम नहीं रिवील करूँगी, पक्का मैं उसके बारे में बता दूँगी, शायद वो मेरा वीडियो देखेगा तो रिप्लाई कर देगा। उसने मेरा नाम ना चोर रखा था। चोर क्यों रखा था ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। अपना दूसरा नाम बताती हूँ। दूसरा नाम मेरा चश्मिश था। तीसरा मेरा नाम पढ़ाकू था। और बहुत नाम थे जो थोड़े बहुत उठपटांग से थे। बस ये तीन नाम मुझे अच्छे लगते थे, एक चोर, एक चश्मिश, एक पिढ़ाकू। चश्मिश जब उसकी मूवी आई थी रणवीर कपूर एंड दीपिका की, बदतमीज दिल बदतमीज, उसके बाद उसने मेरा नाम चश्मिश रख दिया था क्योंकि उससे मैं दीपिका पादुकोण के ऐसे लगते थे। और चोर मेरा नाम क्यों पड़ा? चोर मेरा नाम इसलिए पड़ा कि भाई वो मेरे घर के बाहर से हम लोग चुरा रहा था। मेरे घर के सामने थोड़ा सा एक आंटी जी के घर के बाहर लगे हुए अमरूद, वो चोरी कर रहा था और उसे मैंने चोरी करते हुए देखा तो उसे मेरा नाम चोर रख दिया। पढ़ाकू मेरा नाम इसलिए था क्योंकि मैं इंटेलिजेंट थी बहुत, शायद थोड़ी थोड़ी, बट यस मैं अपनी क्लास में इंटेलिजेंट थी थोड़ी सी। और स्कूल मेरे घर के पास था तो मेरी थोड़ी बहुत चलते भी थे, इस करके भी मेरे को लोग कुछ नहीं बोलते थे। मैं पढ़ाकू थी उस टाइम पर। और यस और क्या बताऊँ, बाहर वॉइस आ रही है, सामने वाले भैया के इग्नोर करना। हाँ और अच्छी थी लाइफ, बहुत बहुत सारे लोगों का मैं क्रश थी, मुझे ये पता है, मुझे बहुत लोगों का क्रश थी, आज भी मुझे याद है। बहुत लड़ाइयाँ हुई थी मेरे पीछे, पर उन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, कभी लॉन्ग ब्लॉग बनाएंगे और उनसे कहूँगे कि हाँ कमेंट करो ये सच है कि नहीं, कि मुझे लगता था कि ऐसा है, ऐसा था कि नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही बताएंगे ऐसा था कि नहीं। मेरा वहम दूर हो जाएगा अगर वो कमेंट्स करेंगे तो। मैं उनको बोलूँगी अगर मेरे ब्लॉग देखते हो तो बेवड़ो कमेंट जरूर कर देना, कहीं पे इधर उधर पड़े मत रहना, ठीक है ना, कमेंट करना और सच्चाई बताना कि ऐसा था कि नहीं, कि मेरा वहम था ये। और तो हाँ बस अच्छा था। ऑफिस स्कूल में मार तो बहुत कम पड़ी है मुझे, मारी नहीं पड़ी क्योंकि हमारे टाइम में गर्ल्स को मार नहीं पड़ती थी, बॉयज़ को पड़ती थी। और फिर बॉयज़ के बाद जब हमारी एट्थ हुई तो रूल चेंज, बॉयज़ को भी नहीं मार सकते थे स्कूल में, तो ऐसा था। मार वगैरह तो नहीं पड़ी, डांट, मैं शिकायती टट्टू थी मुझे इतना पता है। मैंने अपनी क्लास के बॉयज़ की बहुत बार शिकायत लगाई है, वो कुछ भी कर देते थे ना तो बस मैं शिकायत लेके पहुँच जाती थी। और तो भाई एक बंदे को तो मैंने पूरे क्लास टाइम, मतलब मॉर्निंग से आई थिंक 9 बजे से लेके उसको बेचारे को 3:30 बजे तक धूप में खड़ा करवा दिया था। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा पर वो गलती से हो गया था मेरे साथ। उसने क्लास में चलाए थे पटाखे और टीचर ने पूछा किसने चलाए, तो मैंने तो सत्यवादी हरीशचंदी, मैंने बता दिया इसने चलाया और बेचारे को धूप में खड़ा होना पड़ा। और वो पता कितना बोला मुझे, कितना ते वैसे ऐसा हुआ, ते वैसे वैसा हुआ, मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं पता था कि उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो मैं ऐसा ना करती, कह देती कि हाँ मुझे नहीं पता, पर नाम ना लेती भाई तेरा, ठीक है। और ये बहुत मोमेंट्स हैं स्कूल के, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे कॉलेज के मोमेंट्स हैं, मैं आपसे शेयर करूँगी फिर कभी। आप लोग लाइफ में पूछ लेना मेरे कॉलेज के बारे में, मेरे लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, लंच टाइम की हमारे, और क्या कहते हैं जब प्यारी सी हवा चलती थी, हम फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, हम लंच से पहले ही लंच ख़त्म कर देते थे, लंच ब्रेक से पहले ही लंच ख़त्म कर देते थे। और जो हमारी ब्रेक होती थी उसमें वो ठंडी ठंडी हवा चलती थी, वहाँ पे ऑफिस के ग्राउंड में घूमने का क्या ही मज़ा होता था, वो इतना प्यारा मोमेंट होता था ना, वो आज भी मुझे याद है, बहुत प्यारा, ठंडी ठंडी हवाएं चलना। और मतलब कि हम अपने सपनों के बारे में, अच्छा बड़े होके हम ये करेंगे, बड़े होके बिना किसी टेंशन से सोचते थे कि भाई पैसा या नहीं ये मैटर नहीं करता था, बस ये सोचते हाँ बड़े होके हम ये बनेंगे, ये बनेंगे, बस यही चलता रहता था, ये करेंगे, कॉलेज स्कूल के बाद लाइफ कितनी अच्छी होगी, ये सोच सोच के हमने पूरा स्कूल टाइम ही ऐसे बर्बाद कर दिया। इन्जॉयमेंट भी किया पर बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है स्कूल टाइम को कभी नहीं वो करना चाहिए, ख़राब करना चाहिए, डेली स्कूल जाना चाहिए। मेरे को लगता है हर दिन एक मेमोरी बनती है स्कूल में, कभी किसी टीचर्स के साथ, कभी क्लासमेट के साथ, कभी स्कूलमेट के साथ, और कभी खुद से ही एक मेमोरी बन जाती है। अगर आप कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो जो आप सोचते हो अरे यार मैंने ये किया था, डेस्क पे नाम लिखना और दीवार पे नाम लिखना, ब्लैक बोर्ड पे जो स्टूडेंट्स बोलते थे उनका नाम लिखना, बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज थी स्कूल टाइम की। तो बहुत मिस करती हूँ मैं अपने स्कूल टाइम को, अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को, जो कहते थे हम मिलेंगे 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 पर आज तक नहीं मिले, आज तक हम स्कूल के सारे फ्रेंड्स इकट्ठे नहीं हुए,
तो यस यार, मेरा वीडियो देख रहे हो तो यार प्लीज़ इकट्ठे होने का एक प्लान बना लो। कुछ तो बाहर भी चले गए होंगे इंडिया से, कुछ इंडिया में ही होंगे मुझ जैसे, तो जो इंडिया में यार वो तो मिल सकते हैं ना। तो मिलो, प्लान बनाओ यार, प्यारे 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 का एक ही प्लान बना लो। मिलते हैं सब यार, इन्जॉय करते हैं अपने स्कूल मोमेंट, दोबारा से क्रिएट करते हैं, रीयूनियन करते हैं, मिलते हैं सारे। और आप लोग भी बताना, आप लोगों की स्कूल लाइफ कैसी थी, आप लोगों ने मेमोरीज बनाई, कैसी मेमोरीज बनाई, अच्छी बनाई, बुरी बनाई, तो कमेंट्स करके बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यार रखते रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। बाय बाय।